कोविड या कोरोना के काल में हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की, लेकिन इस दौर में हमारी बहुत सारी ख़राब आदतें अच्छी आदतों में परिवर्तित हो गई। इस दौर में हमने जो सीखा और इम्प्लीमेंट किया, क्या कभी भी किसी ने भी हमें सिखाने की कोशिश नहीं की होगी? ज़रा याद कीजिए, दादा दादी ने हमारे डेली रूटीन में हाइजीन से रिलेटेड कुछ अच्छी आदतें शामिल हो जाएं, इसका प्रयत्न किया था ना? चलिए याद कराता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। तत्व सत्व एट्सेट्रा में आपके साथ मैं बातें करता हूँ। याद है जब हम छोटे थे मतलब आज से छोटे थे, हम जब कभी भी घर से बाहर गए हों और घर वापस आए हों, तब दादी हमेशा कहती, बेटा पहले हाथ पैर मुंह धो लो, उसके बाद कोई और काम। लेकिन हम मुंह बनाकर भाग जाते। ऐसा नहीं था कि हम उनकी कोई बात नहीं मानते थे, कुछ बातें मानते भी थे, लेकिन ये हाथ पैर मुंह धोने वाला जो काम था ना, वो हमारे लिए एडिशनल काम था, एक एक्स्ट्रा काम था, एक ऐसा एक्स्ट्रा काम जो हमारे खेलकूद के समय को बाधित करता था। इसीलिए हमारा एटीट्यूड चलता है वाला बन गया था। याद आया? मुझे याद है, मेरा कोई मित्र जब घर पे आता तो दादी उसे भी हाथ पैर मुंह धोने को कहती। हमें लगता, ये कैसा व्यवहार है? दादी बड़ी ढकियानुसी हैं, वो बेचारा मेरा मुंह देखता और मैं उसका। बाद में मैं बेचारा सा मुंह बना देता और उसे हाथ पैर मुंह धोकर ही अंदर आना पड़ता, उसका सामान एक तरफ रखा जाता। आज दादी दादा की कही हुई ऐसी अनेक बातें याद आ रही हैं, वही बातें जिन्हें हम ओल्ड फैशन्ड या अंधविश्वास के रूप में कैटेगराइज कर देते थे। याद है? एक बात और याद आई है, किसी का जूठा न खाने वाली। वो हमेशा कहते कि किसी का जूठा खाने से जर्म्स या वायरस ट्रांसमिट हो सकते हैं। हमें लगता, अच्छा, हम इसे बहुत कैजुअली लेते। वो हमेशा वैज्ञानिक बातें करते, धर्म की पुस्तकों का रेफरेंस देते और हम दोस्ती यारी में जूठा खाते ही। थोड़ा ध्यान तो ज़रूर रखना चाहिए था। दादा कहते थे, यदि किसी ने ऊपर से पानी पिया, मतलब किसी बॉटल से या किसी लोटे से ऊपर से पानी पिया और उस बर्तन में पानी रह गया, तो किसी अन्य व्यक्ति को उसका वो वाला पानी नहीं पीना चाहिए जो बचा हुआ है, नुकसानकारक हो सकता है। आज समझ में आया कि उनकी बातें सच में फॉलो करने लायक थीं। वो हमेशा वैज्ञानिक रूप से सही थे। एक और बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। आपने अनेक पूजा विधियों में भाग लिया होगा, आपने ध्यान दिया है जो पूजा कराने वाले पुरोहित हैं वो हस्तम प्रक्षाल्य ऐसा कहकर वो हाथ धुलवाते हैं, ख़ास तौर से तब जब वो हाथ में पानी देकर उससे आचमन करवाते हों या प्राणायाम करवाते हैं। अब सोचिए, हमने हाथ में पानी लिया, उससे हमने पानी पी लिया, तो हमने अपना हाथ जूठा कर दिया। अब उस हाथ में जूठा कर दिया का मतलब उस हाथ में लार और या सलाइवा उसमें ज़रूर लग गया। अब हम जहाँ जहाँ भी हाथ लगाएंगे, हम उस सलाइवा के माध्यम से जो भी जर्म या वायरस है वो हम ट्रांसमिट कर देंगे। एकदम तो सिंपल विज्ञान है ना। इसी के साथ जुड़ी हुई बात है प्राणायाम। प्राणायाम के तुरंत बाद भी हाथ धुलवाया जाता है, क्यों? क्योंकि हम उससे नाक को पकड़ते हैं और श्वसन क्रिया को करते हैं। ऐसी स्थिति में आज हमें रियलाइज़ हो रहा है कि ये बात कितनी सच और वैज्ञानिक है ना? आज पूरे विश्व में ये बात कही जा रही है कि नाक को हाथ नहीं लगाइए, और अगर हाथ लगाया तो हस्तम प्रक्षाल्य या हस्त प्रक्षालनम हाथ धोना होगा। ये सारी बातें बड़ी वैज्ञानिक हैं, बड़ी लॉजिकल हैं। हम ऐसा सोचते रहे, या यूं कहूं कि हम इसे पूजा विधि के भाग स्वरूप करते रहे, लेकिन दैनिक जीवन में हम इसे भूल जाते हैं।
हिंदू धर्म में बतलाई गई बातों को हमने हमेशा अंधविश्वास की कसौटी पर रखा। हमें आवश्यकता है इसे विज्ञान की कसौटी पर रखने की। आज हस्त प्रक्षालनम इतना बड़ा विषय बन गया है कि टीवी पर, रेडियो पर, लॉकडाउन में आपने देखा होगा, इसका व्यापक प्रचार किया गया। ध्यान आया? इसलिए आवश्यक है कि हम जो बातें बताई गई हैं उन्हें विज्ञान की कसौटी पर कसें, उसके लॉजिक को ढूंढें और समझें, उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। आज हम संक्रमण के डर से हस्त प्रक्षालनम के प्रति जागरूक हुए हैं। आवश्यकता है मर्यादाओं का ध्यान रखकर जागरूक और अच्छी आदतों के प्रति उत्साही होने की। आपको मालूम है वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे भी मनाया जाता है, और इन सारी बातों को हमारे धर्म में बहुत ही स्पष्टता से बताया गया है। हस्त प्रक्षालनम से लेकर दंत धावन, शौच क्रिया इत्यादि अनेक क्रियाओं के लिए नियम बताए गए हैं। तत्व, सत्व एटसेट्रा में आपको ऐसी जानकारियाँ देता रहूँगा। सौरभ का नमस्कार।